हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं और कौन कौन स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। डेली चार्ट में देखें तो स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है, ये थोड़ा वीकनेस शो करता है मार्केट में, राइट। बट जैसे कल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि डेटा काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं, तो हमारे लिए कल लेवल क्या था, 38,100, कि 38,100 जब तक नीचे नहीं जाएगा शॉर्ट नहीं होगा। आज का लो है, हम लोग चलिए 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। एक पॉइंट और भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किए थे कि देखिए, ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुए हैं, ओके। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा नीचे खुलता है, अगेन जब प्राइस नीचे आएगा फिर से शॉर्ट करेंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। और मार्केट देखिए, इस पॉइंट को जहाँ से ब्रेकआउट आया था, इस पॉइंट को डिफेंड किया है, ओके। तो जैसे नीचे आया और इस लेवल के आसपास आया, फिर से बाइंग हुआ और कंटिन्यू ऊपर चला गया, मार्केट टॉप में रेजिस्टेंस बनाया, इधर आया फिर से अपर साइड में जाके क्लोज कर गया। एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पर फॉर्मेशन बना हुआ है, राइट। ध्यान रखना है कल एक ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है, ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा ट्रेड हो जाएगा। बट एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, मैं कई एक्सपायरी से देख रहा हूँ कि वेस्डे के दिन मतलब बुधवार को यूएस का डेटा आता है। आज भी शायद यूएस का डेटा आया है, इन्फ्लेशन का, और किस तरीके से आया है ये तो यूएस का चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। एसजेक्स निफ्टी लगभग 150 पॉइंट ऊपर है। जनरली वेंसडे के दिन ही ऐसा डेटा कई बार मैं देख रहा हूँ, कई एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले ये मैं डेटा देखता हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ये कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, पता नहीं। लेकिन आप लोग भी वॉच कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग लाइव में थे, आप लोग भी लाइव में ज्वाइन किए रहोगे टेलीग्राम चैनल में, कल मैं मेंबर के साथ लाइव करूंगा यूट्यूब में, तो जितने लोग मेंबर हैं कल आपके साथ लाइव लाइव करेंगे यूट्यूब में, राइट। तो मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था, अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहा था कि आजकल पता नहीं वेंसडे के दिन यूएस में डेटा जारी हो रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रहा है, वो खिचड़ी क्या पक रहा है मेरे स्तर में मैं समझ पाऊँ ये तो मुझे नहीं लगता है, बट हमें थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है, ठीक है। अगर देखें तो ये डेटा आप देखिए, लगभग 500 पॉइंट ऊपर अभी यूएस का डाउ चल रहा है, ठीक है। 300 आसपास नेस्डेक चल रहा है, 140 पॉइंट हमारा एसजेक्स निफ्टी चल रहा है। अगर यही सिचुएशन रात तक रहता है तो समझिए आपको कोई चांस मिलेगा नहीं। तो जो आज मिलने वाला था, जो आज मार्केट कंटिन्यू में ऊपर जाने की कोशिश करता, ये साइडवेज हो गया, कंप्लीट साइडवेज में ट्रेड किया है। फिर हम लोगों ने क्या किए थे, यहाँ पर स्ट्रगल या स्ट्रेंगल बना दिए थे, स्ट्रेंगल में भी पैसा मिला और स्ट्रगल में भी मिला, अगर आप लोग ने बनाए रहोगे तो, ओके। तो थोड़ा सा समझिए, कुछ चीजें तो हो रही जो अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फेयर ट्रेडिंग नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो, बट अब ये मैं अपने छोटी बुद्धि के हिसाब से बोल रहा हूँ, ये कितना सही है ये तो आप लोग समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए, इस तरीके का चार्ट बना हुआ है दोस्तों, अगर कल मार्केट 38,200 के बिलो आता है, राइट, तो थोड़ा ये डाउन साइड में आ सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब तक इस लो के नीचे नहीं जाएगा, लोग अभी इसे मतलब शॉर्ट की तरफ प्रीफर नहीं करेंगे, तो शॉर्ट यहाँ पर अवॉइड करें। लोअर साइड अगर यहाँ से जाएगा तो, अगर शॉर्ट होगा तो गैप अप ओपन होने के बाद शॉर्ट होगा तो ट्रेड हमारे लिए अच्छा होगा, ओके। कल है वीकली एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा। अगर मॉर्निंग में फ्लैट ओपन होता है, सिनेरियो तो आप लोग देख ही लिए हैं कि शायद फ्लैट ना हो, अगर फ्लैट होता है तो हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए 38,350 के ऊपर, राइट। इस स्विंग हाई के ऊपर जैसे निकलेगा इसमें बाइंग का ट्रेड बन जाएगा, और इसी लो के आसपास का एसएल मतलब आपका 100 या 90 पॉइंट के एसएल बन रहा है, राइट, कल के लिए, ओके। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है हमारे लिए, टारगेट अपर साइड में 38,500, 500 के ऊपर निकल जाएगा तो 38,600 का भी 700 का भाव दिखा सकता है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ऑलरेडी हमें चांस मिलेगा नहीं, ऊपर से या तो साइडवेज हो सकता है, ऊपर में साइडवेज हो सकता है, या फिर टॉप से थोड़ा मार्केट रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ सकता है। तो ऐसा पैटर्न बन रहा है कल के दिन पे, ओके। ध्यान रखेंगे अगर फ्लैट खुलता है तो हमें चांस मिल जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ये जो मूवमेंट आएगा मॉर्निंग का बहुत फास्ट आना चाहिए, कंप्लीट साइडवेज हुआ है तो इसमें जो मूवमेंट मिलेगा बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 38,300, 38,400, 38,500 ये सभी में कॉल राइटिंग आज हुआ है, ओके। अगर आप लोग ने देखा होगा डेटा तो आपको मालूम होगा, तो अपर साइड का ट्रेड बनने वाला है कल के दिन पे, मॉर्निंग में मूवमेंट करेगा, अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, बस शर्त है मार्केट फ्लैट खुल जाए या थोड़ा नीचे खुल के ऊपर चले जाए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चार्ट है हमारा निफ्टी का, निफ्टी का भी चार्ट देखें तो कंप्लीट साइडवेज में क्लोज किया है, और 500 के आसपास ही ज्यादातर टाइम पूरा दिन में स्पेंड किया, राइट। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि जैसे ये जो ब्रेकआउट आया है, राइट, ये जो ब्रेकआउट आया है यही सब पॉइंट इसके लिए सपोर्ट बनेगा। तो देखिए
बिल्कुल इसका लेवल सपोर्ट बना है 17,440 का, मैंने लेवल बताया था, इसी भाव से मार्केट ऊपर गया है। इसलिए जब नीचे आए तो ऑलरेडी लोग प्रॉफिट में रहे होंगे, जिन लोग ओवरनाइट में शॉर्ट करके गए होंगे, ठीक है, फिर यहीं से जब मौका मिले दोबारा यहाँ से बाइंग आया, तो कितना फास्ट मूवमेंट मिला है। ओके, कल के दिन पे 17,550 17,540 के ऊपर निकलती है, एक अच्छा बाइंग मिल जाएगा। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, और हमारे लिए यहाँ पर 30 से 35 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेड हमारा अच्छा बनेगा, टारगेट अपर साइड में 17,650 17,700 की तरफ मार्केट मूवमेंट करने वाला है। अगर जैसा सिनेरियो दिख रहा है ऑलरेडी गैप अप ओपन होगा, तो टॉप से हमें या तो प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट टॉप में साइडवेज हो जाएगा। तो ऊपर में अगर साइडवेज हो जाता है निफ्टी बाई निफ्टी, तो हम लोग स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाएंगे। एक्सपायरी के दिन 2 ट्रेड आता है, मैं 1 बजे ट्रेड बनाता हूँ, आप लोगों को पता है, ओके, और 1-2 बजे हम लोग ट्रेड बनाते हैं, ओके, 2 बजे या 2:30 के आसपास हम लोग ट्रेड बनाते हैं। तो ये ट्रेड शायद हमें टॉप में बन सकता है, अगर मौका मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज मेंबरशिप में जिन लोग हैं उन लोगों के साथ लाइव में मैं अपडेट कर दूंगा, ओके। तो चलिए, तो दोस्तों ये हुआ आपका निफ्टी बाई निफ्टी का लेवल। अब चलिए चलते हैं हम लोग स्टॉक जिसमें कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं टाटा मोटर्स में, और कुछ दिन पहले मैंने टाटा मोटर्स का एक ट्रेड दिया था, आप लोगों को पता होगा, अराउंड मैंने इस लेवल में ट्रेड दिया था, पोजिशन अभी भी चल रहा है, और इस स्विंग का स्टॉप लॉस था। साथ में मैंने आप लोगों को एलएनटी दिया था, और मैंने एक स्टॉक और दिया था अल्ट्राटेक, सभी कंटिन्यू चल रहे, अभी होल्ड रखने का है, ओके। तो कल देखिए एक फिर से प्राइस सेक्शन बहुत अच्छा बना है, यहाँ से अब ये कंटिन्यू में ऊपर जाने वाला है, राइट। मैंने अगर आप लाइव में रहे होंगे तो पता है मैंने इसमें एक बीटीएससी का भी ट्रेड दिया है, कि आप इसमें लेके जाओ, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। थोड़ा टॉप के आसपास क्लोजिंग आया है, राइट, थोड़ा नीचे खुलना चाहिए तभी अपर साइड में बाइंग का ट्रेड बनेगा, ओके। गैप अप ओपन हो जाएगा तो चांस मिलेगा नहीं, थोड़ा नीचे खुले, इधर अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए तो इधर बाइंग कर सकते हैं, 475 के आसपास बाइंग करना चाहिए, 470 के आसपास के स्टॉप लॉस होगा, या पहले खुल के नीचे आ जाए, या थोड़ा नीचे खुल के ऊपर जाए, तो ट्रेड आपका बहुत अच्छा हो सकता है, नजर रखिएगा। और ये स्टॉक जाने वाला है कल के दिन पे लगभग 482 485 की तरफ ये मूवमेंट देने वाला है। आने वाले दिनों में 500 के ऊपर का मूवमेंट देख रहा हूँ, डेली चार्ट में देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट, और आसपास में अब रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखिए अभी इसका रेजिस्टेंस इधर है 500, 510, 520, ओके, इधर का मोमेंट दिखाने वाला है, बहुत अच्छा चार्ट क्रिएट हुआ है इसे, अगर आप आपके पास स्विंग में पोजीशन है तो आप होल्ड करके जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है इंडसइंड बैंक, आज हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड लिए थे, अच्छा ट्रेड मिला था, और प्राइस सेशन पैटर्न भी इसमें अच्छा बना हुआ है। तो अगर देखें तो आसपास में अब रेजिस्टेंस नहीं है, कंटिन्यू में मूवमेंट आना चाहिए इसे, 1100 की तरफ इस स्टॉक का मूवमेंट हमें दिख रहा है, ओके। तो कल के दिन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट है, और देखिए मॉर्निंग में जैसे कल हम लोग ने जैसे डिस्कशन किए थे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, बड़ा ट्रेंड लाइन है, इधर से आया है, ओके। तो हम लोग ने डिस्कशन किए थे कि इसे 60 के ऊपर बाइंग करेंगे, लेकिन क्या हुआ, नीचे खुला फिर नीचे आया ऊपर गया, तो प्राइस सेशन हमारा यही बन गया, एक अच्छा ट्रेड बना, हालांकि टारगेट मेरा और बड़ा था लेकिन छोटा ट्रेड मिला है, बट ये ट्रेड अच्छा है। तो कल के दिन पे इतना बड़ा जो रेंज है अपर साइड में मूवमेंट देने वाला है, तो कल के दिन पे हम लोग इसे बाइंग कर सकते हैं 1066 या 1067 के ऊपर, ब्रेकआउट करता है हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं। 1060 कैसे रखना पड़ेगा, टारगेट हमारा बनना चाहिए 1075 की तरफ, और 108 का भी 1080 का भी टारगेट ये दिखा सकता है। तो नजर रखिए अपर साइड में ब्रेकआउट आएगा, आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। दोस्तों ये है भारती एयरटेल, आई थिंक मैंने वो लगा लिया इसका, तो ये है भारती एयरटेल, आप इसका डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट में लोअर लेवल से बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है इसने, और जब ये स्टॉक इधर था तब मैंने आप लोगों को बाई दिया था कि इसे बाई करके जाओ, अच्छा मौका है, 640 के आसपास ये स्टॉक को होल्ड करिए, आने वाले दिनों में और भी मूवमेंट दिखाएगा। कल के दिन पे स्टॉक का मूवमेंट मुझे दिख रहा है 720 की तरफ आना चाहिए, अगर मॉर्निंग में मौका मिलता है हम लोग बाइंग करके जाएंगे इसमें। और 5 मिनट के चार्ट में देखिए तो टॉप रेंज में थोड़ा सा ट्रेंड लाइन क्रिएट किया हुआ है, इसी के ऊपर हमें बाइंग करना है, ओके। लोअर साइड में एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, राइट। तो इतना बड़ा टारगेट इसका मिलना चाहिए, तो अपर साइड में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है हमारे लिए, तो 717 के ऊपर बाइंग मिलेगा, हमारा टारगेट होना चाहिए 725 730 की तरफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रेंज बड़ा है, ओके। तो हम लोग इसे बाइंग करके जाएंगे, 712 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट हमारा 725 730 का हो सकता है, नजर रखिए अपर साइड निकलेगा, बाइंग करके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है शॉर्ट का ONGC, इस स्टॉक को देखिए डेली चार्ट में, तो अभी यहाँ पर जहां से बड़ा कैंडल आया था इसी रेंज के नीचे आसपास से क्लोजिंग दिया है, अगर ये नीचे जाता है तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा, लेकिन मार्केट नेगेटिव होगा तब, तो लोअर साइड में ध्यान रखिएगा, ये डाउन साइड जाएगा तो एक शॉर्ट का ट्रेड हमें मिलेगा कल के दिन पे मॉर्निंग में। मैं चार्ट थोड़ा छोटा करता हूँ,
5 मिनट में नहीं दिखेगा, 15 मिनट पूरा चार्ट क्लियर होगा। ओके, तो देखिए ये डाउन साइड में शॉर्ट हो सकता है जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तब। ऑलरेडी इस लाइन को ब्रेक डाउन कर चुका है, हमें शॉर्ट करना है आज के लो के बिलो। जैसे आज के लो को ब्रेक डाउन करता है 133.30 के बिलो, तो हम लोग सेल कर सकते हैं। और इस स्विंग हाई का एसएल रखना पड़ेगा, 134.50 का एसएल रख के हम लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारा इधर होना चाहिए, राइट? तो मतलब 132-131 की तरफ का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर चार्ट खराब होता है, मार्केट नेगेटिव होता है, तो इस स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड आपको अच्छा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ही तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।